नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कलयुग में पहली बार इतनी बड़ी और भयंकर घटना होने वाली है। आने वाले दो दिनों के अंदर आप सभी की जिंदगी में जो बड़ी ग्रहों की स्थिति बन रही है, इसे आप सभी का जिंदगी बदलने निश्चित है। बस आप आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम फुल गारंटी के साथ रहते हैं, अगर आपका जीवन ना बदल जाए तो फिर कहना। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ा मौका अब आप सभी की हाथ लग चुका है। बड़े ही भाग्यशाली आप हैं, ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी के साथ होने जा रहा है और ग्रहों की भी शुभ प्रभाव आपकी राशि वालों के ऊपर होने वाले हैं, जिनके कारण आने वाले दो दिनों का समय आपके लिए सबसे बड़ी खुशी लेकर आने वाला है। परंतु कुछ ऐसी बात है जिन्हें जानना, जिन्हें समझना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, इसलिए हम आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इन्हें अंत तक जरूर देखिएगा। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमने आपकी राशि का बहुत गहराई से अध्ययन किया है और आपकी राशि में जो ग्रह की दशा स्थिति गोचर अभी बन रहा है, उसका हमने बहुत ही गहराई से अनुभव करने के बाद, मूल्यांकन करने के बाद आपके लिए यह भविष्यवाणियों वाला वीडियो तैयार किया है। तो आने वाले दिनों कौन सी ऐसी काम है जो आपको करनी है, कुछ काम ऐसे हैं जो आपको 100% छोड़ने चाहिए। दोस्तों, कुछ बहुत जरूरी बातें हैं, इन बातों को आपको जानना बहुत आवश्यक है। आप जाने अनजाने में कुछ ना कुछ तो ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनसे आप अपने जीवन की ग्रहों की चाल का सही लाभ नहीं ले पाते हैं और शत्रुओं के, दुश्मनों के जाल में फंस जाते हैं। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक और आपके जीवन से जुड़े बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। आपका भी दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई बातों को गहराई से समझने की कोशिश करें। कुछ बातें आपके जीवन की बेहद ही गुप्त बातें हैं जिन्हें आपको किसी को बताना भी नहीं है। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में भी बताएंगे जिनके बारे में आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो पूरा, अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप यहां से आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाएंगे। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा और जो मसीह बताएं, जो भयंकर तूफान आपके जीवन में आने वाले हैं, उनका आपको कोई आभास भी नहीं होगा और आप भी पत्तियों में फंसते चले जाएंगे। तो बिना समय गंवाएं वीडियो की शुरुआत करती हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना ना भूले। हम भी माता से इस प्रकार की कामना करते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आए, आपका जीवन सुंदर हो जाए। आपके जीवन में जो मुसीबत आने वाली है, भगवान सूर्यदेव उन मुसीबतों को आपके जीवन से निकाल बाहर करें। साथ ही अभी चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारे परिवार से जुड़ जाएं, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, आपके जीवन में जो अभी समय चल रहा है वह बहुत खींचतान भरा है। आपको छोटी छोटी सफलता है तो प्राप्त हो रही है, लेकिन जीवन में अभी शांति और सुकून का एहसास आपको मिल नहीं पाया है। और कुछ लोग भी हैं आपके आसपास ऐसे जो आपको तंग करते रहते, परेशान करते रहते हैं। आपकी एक बहुत बड़ी कमी यह है कि आप किसी को ना नहीं कर पाते हैं और इस बात का फायदा लोग उठाते हैं। आप अनचाहे आप बिना मन के ही उन लोगों की मदद करती हैं, फिर आपको मन में तो बुरा लगता है लेकिन आप बाहर कुछ कर नहीं पाते हैं। इस वजह से आपको चिढ़ होती है और बुरा भी लगता है। आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति अब कुछ ऐसी बनती जा रही है कि आने वाला समय आपके लिए दो अर्थों वाला होगा, यानी कि कहीं तो आपको सफलता प्राप्त होगी, मन आपका अच्छा होगा, लेकिन अचानक ही आपको एक ऐसी चोट लगेगी, ऐसा खास होगा कि आपका मन फिर से दुखी हो जाएगा और आपका संभलना मुश्किल हो जाएगा। अब इसे ईश्वर का विधान कह सकते हैं या फिर आपका भाग्य कह सकते हैं कि आप राशि इकलौती ऐसी राशि है जिसे जीवन में संघर्ष बहुत अधिक देखने पड़ते हैं, परीक्षाएं बहुत अधिक देनी पड़ती हैं। ईश्वर आपको देते तो सब कुछ है, लेकिन बदले में आप सिर्फ मेहनत बहुत करवाते हैं, आपको संघर्ष बहुत अधिक देते हैं। लेकिन एक बात तो निश्चित है
कि आपके जीवन में भले ही चाहे कितनी ही कठिनाइयों क्यों ना हो, लेकिन आपको इन कठिनाइयों से बचना, निकलना और जूझना बहुत अच्छी तरह से आता है। देखा जाए तो आप दूसरे लोगों के लिए एक प्रमाण हैं कि कैसे जीवन की कठिन परिस्थितियों को सहा जाता है और बिना किसी की शिकायत है कि हुए बिना रोए गाए जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ा जाता है, संघर्ष कैसे रहा जाता है। यह आप दूसरों को भली भांति सिखा सकते हैं, लेकिन ये जो समय आपके जीवन में चल रहा है, इसमें व्यापारियों के लिए थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो सकती है। ये दोस्तों का व्यापार में कुछ ऐसी अड़चनें आएंगी, कुछ रुपए पैसे का ऐसा लेन देन होगा जो आगे चलकर आपको बहुत परेशान करेगा। अभी आपके व्यापार में छोटी मोटी अड़चनें तो आती ही रहेंगी, जो आपको ठंडे दिमाग से काम करने में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करेंगे। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रुझान भी गलत कार्यों की तरफ होगा, जहां दोस्तों आपकी मानसिकता परिवर्तित होगी। आपकी संगति में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको गलत कार्यों की तरफ प्रेरित करेंगे और आपका मन भी इन कार्यों को करने का होने लगेगा, तो आपको सावधान रहना है। असल में आपको इस तरफ जाना नहीं है, सावधानी बरतनी है। आने वाले समय में आपको एक बहुत ही कठोर फैसला लेना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा, और जिस फैसले को लेने में आपको बहुत अधिक कठिनाई भी होगी। एक ऐसा इंसान है आपके आसपास जो आपसे कुछ ऐसी बात कही का कोई ऐसी घटना होगी जो आपके दिल को बहुत छू भी कि आपके भावनाओं को बहुत चोट पहुंचेगी, आपका मन दुखी हो जाएगा। ऐसी घटना की होने की वजह से आप थोड़े दुखी रहेंगे। असल मैं आपको इस इंसान से इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं होगी, लेकिन फिर भी यह बातें होंगी, इस वजह से आपका मन खराब रहेगा। अब आपके जो काम है जिन्हें आप चाहते हैं कि वह तेजी से हो जाए, लेकिन होंगी नहीं होंगे, लेकिन उनमें रुकावटें बहुत अधिक आएंगे। आपको यत्न प्रयत्न बहुत अधिक करने होंगे, मेहनत बहुत लगानी होगी, तब आपको छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त होंगी। एक और बड़ी बात होगी कि आपका शत्रु पक्ष अचानक से बहुत अधिक सक्रिय हो जाएगा और आपके विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देगा। आपको सतर्क होने की आवश्यकता रहेगी। आप जानते हैं कि आपके विरोध में कौन है, कौन आपका भला नहीं चाहते हैं। बस उन लोगों की बातों में आपको नहीं आना है, भावनाओं में आपको नहीं बहना है। यही आपकी कमजोरी है। लोग जब भी आपके ऊपर घात करती हैं तो हमेशा अपना बनकर ही आपके ऊपर घात करते हैं। दुख की बात तो यह है कि आपकी जो पर आए हैं उन्होंने आपको इतना अधिक छोटे नहीं किया है, इतना अधिक घायल नहीं किया जितना कि आपके अपनों ने आपको घायल किया हुआ है। ऐसी में आपके लिए तकलीफ दे बात यह होती है कि आप किसी का भी बुरा करना नहीं चाहते हैं। कोई आपके साथ कितना ही बड़ा क्यों ना कर जाए, लेकिन आपके मन में उसके लिए किसी भी प्रकार का बैर नहीं होता है। फिर भी लोग आपके मन को समझते नहीं हैं और आपके कानों तक किसी अपने की ही कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिनकी आपको उम्मीद नहीं होती है। फिर आपका मन दुखी हो जाता है और अपनों पर से ही आपका विश्वास होता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी जान अपनों में ही अटकी होती है। आप अपनों के चेहरे पर हमेशा खुशी देखना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं, अपने खर्चों को रोक देते हैं, लेकिन आप अपनों के खर्चों को पूरा करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं। ये आपके दिल की और आपके कर्मों की अच्छाई ही है जिसकी वजह से आपने अपने रिश्तों को संजो कर रखा है, बांध कर रखा है। आप अपने खर्चों को नियंत्रित रखने की कोशिश करें। आने वाला समय कुछ ऐसा है कि कुछ फिजूल खर्ची होगी दोस्तों, कुछ ऐसे कार्यों पर आपका पैसा खर्चा हो जाएगा कि आपको खर्च करने के बाद थोड़ा पछतावा होगा। आपका बजट भी थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है। यह दोस्त तो सोच समझ कर खर्च करें और रुपए के लेन देन को लेकर थोड़ी सी सतर्कता बरतें, सावधानी रखें, बिना सोचे समझे किसी को भी किसी भी प्रकार का लेन देन ना करें रुपए पैसे को लेकर, अन्यथा आपका पैसा अटक जाएगा और आपकी मानसिक परेशानी बढ़ जाएगी। आने वाले 3 दिनों में आपके अंदर धार्मिक रुझान बढ़ जाएगा, जो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ने लगे कि आपका मन करने लगेगा कि आप ईश्वर का नाम ले, मंत्रों का जाप करें और हो सके तो मंदिर भी अवश्य जाएं। ये बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा आपके मन में विचार आता है तो आप निश्चय ही इस बात को पूरा करें। दोस्तों हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि आप एकमात्र ऐसे इंसान हैं। यह आपकी राशि चक्र की एकमात्र ऐसी राशि है जो भगवान की
बहुत अधिक प्रिय होती है। ऐसा इसलिए होता है कि आप लोगों का दिल कांच की तरह साफ होता है, आपके मन में किसी के लिए कोई गैर नहीं होता है, तो ऐसे में इस संसार के लोग भले ही आपको समझे या न समझे, लेकिन भगवान आपको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अब ऐसे में यह है कि अगर आपकी आस्था भगवान के ऊपर से हिल जाती है, धूल जाती है, तो आपके जीवन में कठिनाइयां पड़ जाते हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं, और यदि आपके मन में ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास बढ़ जाता है, यानी आप पूजा पाठ में अधिक ध्यान देने लगते हैं, ईश्वर को बहुत अधिक ध्यान से यत्न से साधने की कोशिश करने लगते हैं, तो आपका जीवन सरल होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में सफलता का मार्ग, शांति का मार्ग ईश्वर की राह पर चलकर ही प्राप्त होता है। आध्यात्मिक होकर ही आप सफल हो सकते हैं और शांतिपूर्ण जी सकते हैं। अब इस बात को साबित करने के लिए आप एक छोटा सा प्रयोग करके देखें। आप ईश्वर को ऐसा मानकर चलिए कि वह आपके बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार हैं, आप उन्हें कुछ भी मान सकते हैं, अपने मित्र सखा गुरु या फिर अपने परम पिता, यानी कि इस ब्रह्मांड के पिता जो आपके भी पिता है और सभी के पिता हैं। किसी भी शक्ति के रूप में आप उन्हें माने, लेकिन उनसे ऐसा मानने की वजह यह है कि उनसे आपका भावनात्मक लगाव हो जाए, और जब आपका भावनात्मक लगाव हो जाए तो आपको जब भी दुख हो, तकलीफ हो, तो आप बस भगवान के मंदिर चले जाएं और ऐसे ही उनसे चर्चा करें, जैसे कि आप किसी अपने बहुत ही शुभ चिंतक से चर्चा कर रहे हैं। अपनी मन की सुख दुख हर बात उन्हें बताएं और उनसे कहे कि अब सब कुछ आपके ही हाथ में है, हम कुछ नहीं जानते, आप ही देख, जो भी होगा अच्छा या बुरा आप ही जाने, बस आप ऐसा करके देखिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि भगवान आपको इतना प्रेम करते हैं कि आपके साथ कुछ भी अहित हो नहीं सकता है, इस बात की हम गारंटी देते हैं। दोस्त, हम पहले ही आपको कह चुके हैं कि आपकी राशि भगवान को बहुत अधिक पर यह होती है, क्योंकि आप सच्चाई के साधक हैं, आप झूठ का साथ नहीं देते हैं, आप सत्य की राह पर चलते हैं, चाहे अभी कितनी ही कठिन क्यों ना हो, क्योंकि यह मृत्यु लोक है। यहां पर जीवन जीने के लिए कभी कभार कुछ ऐसे कार्य करने पर जाते हैं जिनको हमारा मन गवाही नहीं देता, हमारी आत्मा नहीं देती, फिर भी करने पड़ते हैं। कई प्रकार के दबाव होते हैं जिनके रहते ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। जब कभी आपके हाथों कोई ऐसा कार्य हो जाता है तो आपके मन में भयंकर गिलानी भर जाती है, आपकी आत्मा को कचोट नहीं लगती है और आपका मन इस काम को दोबारा करने से रोक देता है। फिर आप कुछ ना कुछ ऐसा कार्य अवश्य करते हैं जिससे कि उस गलती का प्रायश्चित अवश्य हो जाता है। कुछ आप दान धर्म करते हैं, ईश्वर की तरफ आपका रुझान हो जाता है, कुछ ना कुछ आपका ऐसा अवश्य रहता है जिसकी वजह से आपकी जो अंदर प्लास्टिक की भावना है वह परिपूर्ण हो जाती है, शांत हो जाती है। यही तो आपकी अच्छाई है, यही तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, अब आने वाले 3 दिनों में आपको अपने व्यवहार की सख्ती दिखानी है दोस्तों, क्योंकि हम आपको बता दें कि आपका आपके ही किसी नजदीकी से वाद विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, आपके पड़ोसियों से भी आपका झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, तो थोड़ा अपने व्यवहार को नियंत्रित रखें और अपने मन को शांत रखें। किसी भी प्रकार की बहस में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हो सकता है कि कोई आपका अपना ही आपसे जबरदस्ती बहस में कीजिएगा, विवाद में खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको वहां पर अपने बौद्धिक वालों का प्रदर्शन करना है और आपको जितना हो सके उतना संतुलित व्यवहार करना है और समय रहते स्थान को छोड़ देना है, तो उस दो अन्यथा आपका झगड़ा हो जाएगा, आप किस समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि इस समय यानी आने वाले 3 से 5 दिनों तक आपको कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए, आधारशिला रखने के लिए यह समय उचित नहीं है, ठीक नहीं है। ग्रहों की कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं जिससे आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की बन रही है कि आप अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे लेकिन उसके नतीजे खराब है। प्ले के यहां दोस्तों, कई बार पहले भी आपके साथ ये हो चुका है कि आपने बहुत मेहनत से किसी बड़े कार्य की शुरुआत की और आपको असफलता हाथ लगी, लोगों के लांछना को सहने पड़े। अब यह आपको नहीं दोहराना है, तो आने वाला 3 से 5 दिनों का समय आपको डालना है, उसके बाद ही आप शुरुआत करें। ये दोस्तों,
और जब भी आप किसी नए कार्य की शुरुआत करें तो जीवन में यानी कि हर दिन एक राहु काल होता है जो 1.5 घंटे का होता है। अलग अलग समय पर राहु काल हर दिन होता है, हमने अपने पिछले वीडियो में उसकी सारणी आपको दी थी। यदि आप हमारे वीडियो लगातार देखते हैं तो आपके पास वह लिस्ट अवश्य होगी, तो आपको राहु काल को अवश्य ही डालना है। दोस्तों, चाहे कितना ही शुभ मुहूर्त क्यों ना हो, पंडित जी आपसे कह दें कि यह दिन बहुत ही शुभ है, आप इस कार्य को कर डाली है तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन राहु काल को डाल देना। अब आपको पंडित जी की बात को मानना आवश्यक है, यह बात सही है, लेकिन पंडित जी कोई जोक नहीं है, एस्ट्रोलॉजर नहीं है, तो हो सकता है कि वह इस बात का ध्यान ना दें और आप हो राहु काल में ही कोई कार्य करवा दें तो जो आपने कार्य किया वह कार्य अनिष्ट फल लेकर ही आएगा। या दोस्तों, इस बात का प्रमाण यह है कि जब भी कोई इंसान किसी व्यापार की शुरुआत करता है तो वह पूजन हवन अवश्य करवाता है, बहुत अवश्य करवाता है, फिर भी व्यापार दूध क्यों जाता है। शादी विवाह में भी संपूर्ण रीति रिवाज के साथ सारी प्रक्रियाओं को किया जाता है, फिर भी शादी संबंध अच्छे क्यों नहीं चलते हैं, कुछ संबंध टूट भी जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि लोग दिन की मुहूर्त का नहीं रखते हैं, एक निश्चित मुहूर्त तो तय कर लेते हैं, लेकिन एक दिन में कितनी बार समय परिवर्तन होता है और कौन सा समय अच्छा है और कौन सा बुरा है, इसका ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसा रखना चाहिए, अन्यथा कभी जीवन में बुरा होगा ही नहीं। ये दोस्त, तो आपको राहु काल डालना है और कुछ दिनों के बाद ही किसी बड़े कार्य की शुरुआत करनी है। एक और बड़ी बात दोस्तों, कि आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं अगले 3 दिनों में जिससे आपके मन में निराशा के भाव उत्पन्न हो गए, आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी, तो आप ऐसा होने ना दें जब आपके मन में निराशा के भाव उत्पन्न हो, आत्मविश्वास की कमी आपको महसूस होने लगे तो आप आध्यात्मिकता की ओर जाएं, ईश्वर का नाम ले, भजन करें, प्रभु नाम ले, मंदिर जाए, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। दोस्त और अपने मित्र पूर्वजों से अपनी मदद की गुहार लगाएं, या दोस्तों, आपके मित्र पूर्वज हमेशा आपको मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं कि दोस्तों, आप अपने रिश्ते नातों को लेकर हद से ज्यादा गंभीर रहते हैं। दोस्तों, इतनी गंभीरता की आवश्यकता नहीं है, आप अपने काम पर बहुत अधिक ध्यान दें, अपने रिश्ते नातों का ध्यान अवश्य दें, लेकिन इतना भी नहीं कि अब आप जरा सी ऊंच नीच को भी अपने दिल से लगा लें। किसी के द्वारा कही गई छोटी से छोटी बात अपने दिल से लगा लेते हैं और उसके बाद फिर दुखी रहते हैं, फिर आपका आपके काम में ही मन नहीं लगता है। तो अब आपको ऐसा नहीं करना है, तो थोड़ा सा आप हो अपने मन को मजबूत करना है, सख्त करना है, और अपने रिश्तेदारों को जरूर से ज्यादा अहमियत मत दो। आप अपने काम को अहमियत देंगे, काम की शक्ति से आप आगे बढ़ेंगे और आपके रिश्ते नाते निश्चय ही आपका साथ देंगे, क्योंकि आपके जैसा अच्छा इंसान कभी किसी इंसान को आसानी से नहीं मिलेगा और आपको छोड़ पाना सबके बस की बात नहीं है। आप सबकी हित की बात करते हैं, आप एक सच्चे इंसान हैं, आपसे सब प्रेम करते हैं, लेकिन आपका अति प्रेम आपके दुखों का कारण है, तो आपको अपना अति प्रेम कम करना है, रिश्तों से हद से ज्यादा लगाव को कम करना होगा। अभी एक बात और आपको बता दें कि आपको आने वाले 3 दिनों में धैर्य से काम लेना है। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिसमें कि आप अधीरता दिखाएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, तो जितना हो सके उतना धैर्य के साथ आगे बढ़े और विचारशील बने। किसी भी कार्य को करने से पहले आपके जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को समझने से पहले आपको विचार करने की आवश्यकता है। एक झटके में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है, ऐसे निर्णय आपकी परेशानी का कारण बनते हैं। जी हां दोस्तों, अब इसी से जुड़े हम आपको कुछ उपाय बता दें कि आपके जीवन में आने वाले 3 दिनों में कुछ कठिन समय आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा, तो इस कठिन समय में आपको किस प्रकार से काम लेना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जब भी आप घर से बाहर निकले तो कुछ मीठा अवश्य खाकर निकले, अगर हो सके तो दही शक्कर अवश्य ही खाकर निकले, और यदि नहीं तो सिर्फ थोड़ा सा कुछ मीठा अवश्य ही खाकर निकले। दोस्तों, साथ ही साथ अपनी जेब में लौंग का एक जोड़ा भी रखकर निकले, यह बहुत आवश्यक है। और जब आप घर में प्रवेश करें
यानी कि अपना काम खत्म करने के बाद जवाब अपने घर में वापस आ रहे हैं, तो आपको भेजलोंग का जोड़ा अपनी पीठ के पीछे बाहर फेंक देना है और मुड़कर नहीं देखना है। सीधे घर में प्रवेश कर जाना है। यह एक साधारण सा उपाय है, लेकिन इसके बहुत ही चमत्कारी परिणाम है ये दोस्तों। साथ ही साथ आपके लिए हमेशा हम सर्वोत्तम उपाय यह है कि आपको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके जीवन में जो व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं, जो समस्याएं और अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं, इस समाप्त होने लगेगा। दोस्तों के लिए बहुत आवश्यक है, घर से जब भी आप बाहर निकले, एक लाल रंग का टीका जो हनुमान जी का सूचक है, अभी आप घर से लगाकर ही निकले, और बुधवार के दिन आप गाय को हरी घास भी अवश्य ही खिलाए, क्योंकि यह बुध को समर्पित है और गणपति को भी समर्पित है। दोस्तों दोनों ही स्थितियों में यह आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। व्यापार का ग्रह है, आमदनी का ग्रह है, यदि आप यह कार्य करेंगे तो आपका व्यापार और आपकी आमदनी में तरक्की होगी। अब जाते जाते आपको हम एक आखिरी बात और बता दें कि आप अपने जीवन में यदि खुशहाली चाहते हैं, सुखी और समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं, निर्भय जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको दो कार्य तो निश्चित तौर पर रोज करने ही चाहिए। पहला, अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनके नाम का दीपक जलाना। हम अपने हर वीडियो में लगभग यही कहते हैं, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि जो आसपास का माहौल हम देख रहे हैं, उसके अनुसार हर इंसान के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पितृदोष कार्य कर रहा है। इसका प्रमाण यह है कि जो जीवन में बेचैनियां हैं, रिश्तों में असंतोष है, परेशानियां हैं, और ऐसे रुपए को लेकर खींचतान है, यह सब पितृदोष का प्रमाण है। घर के बच्चे बड़ों की बात सुनते नहीं है, घर में लक्ष्मी आती नहीं है, आती भी है तो करती नहीं है, हर घर की लगभग एक जैसी कहानी है। यही कारण है कि सबके ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पितृदोष अवश्य लगा हुआ है। पितृदोष के कई प्रकार होते हैं। दोस्तों हम आपको इस विषय पर किसी अन्य वीडियो में विस्तार से जानकारी दी, फिलहाल के लिए हम आपको यही कह दें कि अपनी पितरों को याद करें, उन्हें सम्मान दें। अपनी मृत परिजनों की फोटो तस्वीर कहां लगानी है, हम यह आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। इस बात का ध्यान दें और एक दीपक अपने पितरों के नाम से रोज अवश्य जलाएं। आपका जीवन सुखी हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न है आपके मन में तो कमेंट करके पूछे, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय सूर्यदेव लिखना ना भूलें। यदि आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।